नमस्कार, मैं योगन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे यह निवेदन है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखें और यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए विषय पर चलते हैं दोस्तों। आज इस एपिसोड में हम वास्तु अनुसार हमें अपने घर में कौन सी दिशा में कौन सा कलर करवाना चाहिए जो वास्तु सम्मत हो और घर में जिसकी उपस्थिति हमें जीवन में शुभ फल प्रदान करने वाली हो पर जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, घर में वास्तु सम्मत स्थितियां होने के बाद भी अगर हमें शुभ फल प्राप्ति में कमी हो रही है या प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसका कारण हमारे घर की अलग अलग दिशाओं या पूरे घर में हमने जो अलग अलग कलर किए हैं वह भी इसका एक कारण हो सकते हैं। इसलिए आज इस विषय को आप आखिर तक देखें और अलग अलग दिशाओं के रंगों के बारे में जानें जिससे आप सभी प्रकार के पूर्ण शुभ फल प्राप्त कर सकें। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक आप यह अच्छे से जान चुके हैं कि हमारा ब्रह्मांड और उसमें रहने वाला हर व्यक्ति, जीव और सभी वास्तु पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश से परिपूर्ण है और किसी भी वास्तु में इन तत्वों के सही मिश्रण के अनुसार व्यवस्था बनाकर ही एक अच्छे वास्तु सम्मत घर का निर्माण होता है। इन तत्वों के वास्तु में अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं और इनके अलग अलग रंग, रूप, गुण व आकार हैं। जब तक यह वास्तु में उपस्थित पंच तत्व अपने अपने क्षेत्र में हैं तब तक ये वास्तु में शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन जब भी इनके रंग, रूप, गुण, आकार एक दूसरे के विपरीत दिशा के क्षेत्र में चले जाते हैं तो परेशानी पैदा करते हैं। इसलिए आज हम इस एपिसोड में इसके अलग अलग क्षेत्रों के रंगों के बारे में जानेंगे जिससे आप दिशा क्षेत्र के अनुसार रंगों का चुनाव कर लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर कहीं आपने यहाँ आपके यहाँ किसी क्षेत्र में कोई गलत कलर है तो उसकी जानकारी प्राप्त कर उसको बदल कर अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकें। चलिए अब आप इस विषय को चार्ट पर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम उत्तर दिशा से शुरू करते हैं। दोस्तों, यह हमारी जल तत्व की प्रतिनिधित्व करने वाली दिशा है और इसका जो विस्तार क्षेत्र है वह नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण तक है। इस दिशा का कलर है ब्लू और इस दिशा में ब्लू कलर के हल्के से भारी तक किसी भी तरह के शेड्स का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं और साथ ही इस जल तत्व की दिशा के अंदर हम थोड़ा वाइट कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस उत्तर दिशा के अंदर हमें नीले रंग की प्रधानता को बढ़ाकर रखना चाहिए। इस प्रधानता को बढ़ाए रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल अपने दीवारों को रंगने के लिए और वहाँ पर खिड़की दरवाज़ों के पर्दों, फर्नीचर और फर्नीचर के ऊपर लगने वाले कुशन, गद्दे और चादरों के इस्तेमाल के रूप में भी कर सकते हैं या वहाँ जो भी आर्टिकल रखे जाएँ वह ब्लू कलर से संबंधित आप रख सकते हैं जिससे इस दिशा के अंदर नीले रंग की प्रधानता बनी रहे और यह दिशा हमें शुभ फल प्रदान करने में सक्षम बनी रहे और इस दिशा से मिलने वाले गुणों में जैसे पैसा प्राप्ति के कारणों, व्यापार, नौकरी और जीवन में मिलने वाले नए नए अवसरों की प्राप्ति निर्बाध रूप से होती रहे। दोस्तों, इसके विपरीत हमें यह अवश्य जानकारी रखनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए कि जो भी दिशा होती है उसके अपोजिट 180 डिग्री या सामने वाली दिशा उस दिशा की एंटी दिशा होती है। अगर इस दिशा में सामने की दिशा के कलर आ जाते हैं तो वह हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सामने की दिशा जैसे रेड के रंग, जैसे रेड, ऑरेंज, पिंक या कहिए लाल रंग परिवार के कलर और डार्क येलो कलर इस दिशा के गुणों में कमी पैदा करेंगे जिस कारण से हमें इस दिशा से मिलने वाले शुभ फलों में जैसे पैसा प्राप्ति के कारण, व्यापार, नौकरी, नए अवसरों में रुकावट आती है या ख़त्म हो जाती है। और इसी प्रकार से जितने भी उत्तर दिशा के जोन हैं या क्षेत्र हैं और जो जल तत्व से संबंध रखते हैं उनके गुणों में एक भारी कमी आ जाती है, इसलिए हमें विपरीत दिशा के रंगों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं।
दोस्तों इसके बाद आती है हमारी पूर्व दिशा। चलिए पूर्व दिशा के बारे में जानते हैं। दोस्तों यह तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि पूर्व दिशा वायु तत्व की दिशा है और इसका अधिकार क्षेत्र ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट तक है। और इस दिशा का जो तत्व है वह वायु है और वायु तत्व का जो कलर है वह हरा और ब्राउन है। यानी कि इस दिशा के अंदर हम दीवारों पर, पर्दों पर या फर्नीचर के ऊपर या इस दिशा में इस्तेमाल होने वाले आर्टिकल्स के ऊपर हरे रंग की प्रधानता को अगर बनाकर रखेंगे तो हमें इस दिशा से मिलने वाले गुणों में काफ़ी हद तक शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। और इस दिशा से हमें जो मिलने वाले शुभ फल हैं वह हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि इस दिशा से हमें मान सम्मान, सामाजिक संबंध, तेज मौज मस्ती और सोचकर निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है, जो इस दिशा के अंदर इस दिशा के कलर ग्रीन या हरे रंग के इस्तेमाल से बढ़ती है और हमें सुफल प्रदान करती है। और दोस्तों इसके विपरीत जो दिशा है वह आकाश तत्व की दिशा है, और अगर उस दिशा के रंग यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं जैसे येलो, वाइट, सिल्वर, ग्रे, अगर यहाँ पर हम लगाते हैं तो वह हमें नुकसान देते हैं और इस दिशा से मिलने वाले फलों में कमी करते हैं। इसलिए हमें भूलकर भी विपरीत दिशा के रंगों को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो दिशा आती है वह दिशा है हमारी अग्नि, वो दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा का अधिकार क्षेत्र आग्नेय कोण से लेकर दक्षिण तक है। यह क्षेत्र अग्नि तत्व का क्षेत्र है और यहाँ पर हम रेड, ऑरेंज या रेड फैमिली से संबंध रखने वाले रंगों का इस्तेमाल करते हैं। इनके इस्तेमाल की प्रधानता हमें इस दिशा में बनाकर रखनी चाहिए, जिससे इस दिशा से मिलने वाले फलों में जैसे कैश फ्लो, तेज ऊर्जा, बल, आत्मविश्वास, मान सम्मान और शांति की प्राप्ति निर्बाध रूप से होती रहे दोस्तों। और अगर इस दिशा में इसकी एंटी दिशा यानी कि इसके विपरीत दिशा के कलर का अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जैसे नीला, काला, सफ़ेद, सिल्वर, ग्रे आदि का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस दिशा से मिलने वाले फलों में कमी आती है और हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें विपरीत दिशा के रंगों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो दिशा है वह है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व से संबंध रखने वाली दिशा। और इसका अधिकार क्षेत्र है साउथ साउथ वेस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक। चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इस दिशा में हमें येल्लो कलर व मिट्टी से संबंध रखने वाले कलरों को प्रधानता देनी चाहिए और इन कलरों की मौजूदगी इस दिशा के गुणों जैसे रिलेशनशिप और जीवन में मजबूती, स्टेबिलिटी को बढ़ाती है और पितरों को खुश रखती है, क्योंकि यह दिशा पितरों की भी दिशा है। और इसके विपरीत अगर हम इसके विपरीत एंटी दिशा का कलर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जैसे नीला, हरा यहाँ पर उपस्थित होने पर हमें इस दिशा से मिलने वाले शुभ फलों में कमी उत्पन्न होती है। इसलिए हमें यहाँ पर एंटी कलर के इस्तेमाल से बचना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो दिशा है आकाश तत्व से संबंधित है और इसका क्षेत्र पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम तक है। और इस दिशा में हमें वाइट, सिल्वर, ग्रे आकाश से संबंध रखने वाले रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें इस दिशा के गुणों जैसे बच्चों के एजुकेशन, लाभ और जीवन में अच्छी सपोर्ट हमें मिलती रहे। इन रंगों को हम दीवार के रंग के रूप में और इस क्षेत्र में अगर खिड़की दरवाजे हैं उनके पर्दों के तौर पर और जो भी हम यहाँ पर फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं या जो भी आर्टिकल हम रखते हैं उनके ऊपर इन रंगों का इस्तेमाल करके हम यहाँ शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके विपरीत हमें यहाँ पर अग्नि से संबंधित कलर रेड, ऑरेंज, पिंक और वायु के कलर ग्रीन के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अपनी एंटी दिशा के रंगों का इस्तेमाल यहाँ पर हमें
नुकसान पहुंचाता है और इस दिशा से मिलने वाले शुभ फलों में कमी करता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि हमें दिशाओं के अनुसार उत्तर में नीला रंग, पूर्व में हरा रंग, दक्षिण में लाल, नैऋत्य में पीला और पश्चिम में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके विपरीत दिशाओं के कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर घर में हम केवल कोई एक ही कलर करना चाहें तो हमें ऑफ वाइट या लाइट क्रीम कलर का इस्तेमाल करना चाहिए और दिशाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वहाँ पर इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर और उसके कपड़ों, पर्दों या चादरों को उस दिशा के रंगों के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए और लाभ प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, घरों में दिशाओं के तत्वों के अनुसार रंगों का मिश्रण भी जीवन में सुख समृद्धि, शांति और वैभव पैदा करता है, इसलिए हमें इन नियमों का पालन कर लाभ प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।